गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भर दे। परमेश्वर का बंदोबस्त, द प्रोविजन ऑफ गॉड, हम इस श्रृंखला में आज भी मनन करने जा रहे हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जब से हमने ये शुरू किया तब से अब तक बहुत सी उत्तम गवाहियों को प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है और आपके लिए अद्भुत काम करता है। एक स्त्री थी जो हर दिन सुबह अपने गेट पर आकर प्रभु को धन्यवाद करती थी, प्रेज द लॉर्ड बोलती थी। और हर बार उनका जो पड़ोसी, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो भी जोर से बोलता था, कोई परमेश्वर नहीं होता। लेकिन ये स्त्री लगातार उसी प्रभु को धन्यवाद करती थी। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, तो स्त्री ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं भूखी हूं, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। दूसरे दिन सुबह उसने क्या देखा, जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर राशन के सामान के बड़े बड़े पैकेट रखे हैं। और जैसे ही उसने ये देखा, उस दरवाजे पे खड़ी होकर उसने फिर से जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय जो उसका पड़ोसी था, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो उस झाड़ियों के पीछे से आकर क्या कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कोई परमेश्वर नहीं होता, ये जो राशन है मैंने खरीद कर तुम्हारे लिए रखा है। तो इस महिला ने और जोर से परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहा कि मेरा परमेश्वर न केवल मेरे लिए राशन का इंतजाम करता है, लेकिन शैतान उसका पैसा भी भरता है। कितना खूबसूरत है अद्भुत प्रबंधों को करने वाला परमेश्वर। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय को हम मनन करेंगे, उसके 1, 2, 3 वचन। उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे, 3 दिन से उसके साथ, खाने की कोई चिंता नहीं। और जब 3 दिन बीत गए, यीशु अपने चेलों को बुलाकर कहता है, मुझे इन पर तरस आता है, प्रेज द लॉर्ड। एक दयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला। इस भीड़ में किसी ने आकर नहीं कहा, चेलों ने किसी ने आकर नहीं कहा, लेकिन यीशु स्वयं कहते हैं, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये हर वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, उसके 33 वचन में। ये जो भीड़ है, अन्य जातीय भीड़ है, दिकोपोलिस उस एरिया में, उस रीजन में, लेकिन वो यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से सुनना चाहते हैं। अपना सब कुछ भूलकर, खाना भी भूलकर, 3 दिन से यीशु के साथ हैं। एक आत्मिक भूख से भरी हुई भीड़, लेकिन उनकी आत्मिक भूख उनकी शारीरिक भूख को भी मिटाती है। आज
मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप उस यीशु से वास्तव में प्रेम करते हैं, उसके मोक्षकारी वचन को सुनना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, सब कुछ भूलकर अपने स्केड्यूल को बदलकर अगर आप उस प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानकर समय पर आपके लिए प्रबंध करने वाला एक यीशु, वो कहता है मुझे इन पर तरस आता है, 3 दिन से भूखे हैं। मुझे नहीं मालूम मुझे सुनने वालों में से कोई 3 दिन से भूखा होगा, 3 दिन से घटी में जरूर हो सकते हैं, बहुत सारी कमियां जीवन में हो सकती हैं, आवश्यकताओं का बोझ हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु के पीछे हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानकर समय पर आपके लिए बंदोबस्त करने वाला, कंपैशन रखने वाला, करुणा दिखाने वाला एक प्रभु है, जिसके बारे में मैं आज आपको प्रचार कर रहा हूं। आपकी आवश्यकताओं को वो जाने, आपकी जरूरतों का ख्याल करे, आप बस इतना कीजिए, उसके साथ समय बिताना प्रारंभ कीजिए, उसको ढूंढना प्रारंभ कीजिए। जब आप उसके पास आएंगे, जब आप उसको ढूंढेंगे, वो आपके कामों का ख्याल करना प्रारंभ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपने घर में जब काम करने वाले लोग आते हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं, करते करते थक जाते हैं, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता, आप जाकर पूछते हैं, भाई चाय पियोगे, कुछ खाया है? जानते हैं कारण क्या है? वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो आपको हमेशा बीच बीच में उठकर जाते हुए दिखेंगे, वो काम में तल्लीनता नहीं दिखा रहे, सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, ऐसे लोगों से आप नहीं पूछोगे। लेकिन जो वास्तव में ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए आप भी अपना रिसोर्स खोल देंगे। आज क्या आप उसके पीछे हैं? क्या आप उसको ढूंढने के लिए आए हैं? अगर इस भीड़ से पूछें कि आप यीशु के पीछे रोटी के लिए आए हैं, वो कहेंगे नहीं, अगर आए होते तो पहले ही दिन बता देते, लेकिन 3 दिन से वो यीशु के साथ हैं, भूल गए अपनी भूख, उनकी आत्मिक भूख ने उनकी शारीरिक भूख को भुला दिया, लेकिन उनकी आत्मिक भूख ने शारीरिक भूख के लिए इंतजाम भी करवा दिया। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, आज इन वचनों को सुनने वाले बहुत से प्रियजन इस बड़ी भीड़ के समान होंगे, जो आपको खोज रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, शायद उन्होंने कहा नहीं होगा, उन्होंने किसी के सामने रखा नहीं होगा, लेकिन आप मांगने से पहले हमारे हृदय में उठने वाले विचारों को जानने वाले ईश्वर हैं। आपका हाथ बढ़ा, आप छू, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, आज कुछ अद्भुत बंदोबस्तों को कर प्रभु। और जैसा आपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, कुछ प्रियजनों के लिए यही विचार आपके मन में आए, और आप उनके लिए अद्भुत प्रोविजन, अद्भुत बंदोबस्त उस जंगल की अवस्थाओं के बीच में करना प्रारंभ करें। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही अद्भुत अद्भुत गवाहियां, एक बहन ने मुझे अभी गवाही दी, एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके माँ बाप गरीब थे, और वो इलाज में इतने पैसे हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। ये बच्चा ठीक हो गया, लेकिन अस्पताल से ये उसको डिस्चार्ज नहीं करा पा रहे, ये माँ बाप उस बच्चे को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए, और ये प्रार्थना का विषय दिया कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हमने सब ने उनके लिए प्रार्थना किया। कल उस बहन ने फोन कर मुझे बताया परमेश्वर का प्रोविजन किस तरह से उत्पन्न हुआ। उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि उसका सारा जो बिल है वो हम माफ कर देंगे, और बड़ी खुशी के साथ उस बच्चे को वो माँ बाप लेकर गए। परमेश्वर का बंदोबस्त अद्भुत तरीके से आज भी आपके लिए उत्पन्न होना प्रारंभ हो। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।
2903738837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।